अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप तिनके से चुम्बक मिट्टी में रगड़ते चुम्बक को बाहर निकाले। क्या चुम्बक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुम्बक को आराम से हिलाए। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए मिट्टी से उठाए गए लोहे के टुकड़े लोहे के बुरादे हो सकते? इसी प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी लोहे के कण विद्यमान। आपने घर के आसपास स्कूल अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों के क्रियाकलाप को करने का प्रयास किया होगा। क्या चुम्बक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र 13.6 में दर्शाए गए किसी प्रकरण की जैसी है? चलिए यहाँ पर देखिए, इस तरीके से चिपक जाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यदि आप इसी सारणी को भरते हैं तो इसे पहली तथा भुजों के पास भेजते हैं, वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। 13.2 देखिए, हमने देखा कि मिट्टी में चुम्बक रगड़ने पर लोहे के कण यदि चुम्बक से चिपक जाते हैं तो क्या चुम्बक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता दिखाई देती है? जो क्रियाकलाप 4, एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए और इस शीट को ऊपर की एक छड़ पर रखिए। क्या आप देखते हैं कि लोहे का बुरादा चुम्बक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुम्बक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे के बुरादे चिपके हुए देखते हैं? देखिए इस तरीके से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुम्बक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के साथ स्थान पर पिन या लोहे की कीलों के साथ विभिन्न आकार के चुम्बक भी कर सकते हैं। चुम्बक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग के आरेख बनाइए। आरेख चित्र 13.6A में दर्शाया गया है। हमने ज्ञात किया कि अधिक लोहे के बुरादे में छड़ चुम्बक दोनों सिरों के पास चिपकता है। ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुम्बक को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का ऊपर उपयोग करके इन चुम्बक के ध्रुवों को स्थिति की जांच कीजिए, जो चित्र 13.4 में बताया गया है। चलिए दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय में से ही लोग चुम्बक के बारे में जानते थे। चुम्बक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुम्बकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होगी। ऐसे ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में, जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता था कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी और मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी और इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि रास्ता दिखला रही है। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति एक ऐसी स्थिति में आकार रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस स्थान से किसी अन्य नए स्थान पर जाते थे तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। चलिए आइए अपने लिए एक नई दिशा का निर्धारक बनाते हैं। देखिए इस तरीके से था जो क्रियाकलाप 5 में बताया गया। एक छड़ चुम्बक लीजिए और इसके एक सिरे पर पहचानने के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुम्बक के मध्य बिंदु से बांध दीजिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटकाया जा सके। सुनिश्चित कीजिए कि चुम्बक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके और विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में दोनों सिरों की स्थितियां दर्शाने पर धरती पर दो बिंदु चिन्हित कीजिए और इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए और यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जो चुम्बक अपनी विराम स्थिति में है। देखिए इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, की स्थिति में आकर रुकती। अब चुम्बक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए और विराम स्थिति में आने दीजिए। विराम स्थिति इसके सिरे की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या आप चुम्बक के एक भिन्न दिशा दर्शाती है? चुम्बक को एक दूसरी दिशा से घुमाइए और इसे विराम स्थिति में आने दीजिए। अंतिम दिशा को नोट कीजिए, ठीक है।